मनीषा रानी ने बताई अभिषेक मल्हान के साथ अभी तक गाना ना आने की रियल वजह, फैंस से की ये स्पेशल रिक्वेस्ट। हाल ही में अभिषेक फैंस मनीषा रानी से काफी ज्यादा नाराज हो गए थे क्योंकि मनीषा रानी अलविश यादव के साथ एक म्यूजिक वीडियो करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन मनीषा रानी का अभिषेक के साथ जो गाना आने वाला था उसे लेकर मनीषा रानी की बहन सारिका रानी ने कहा कि उनका गाना साथ में नहीं आने वाला है। फैंस इस बात को लेकर काफी ज्यादा नाराज हो गए थे। अब मनीषा रानी का जो लेटेस्ट व्लॉग फैंस के बीच आया है उसमें मनीषा रानी ने अभिषेक म्यूजिक वीडियो की पूरी कहानी फैंस को बताई और फैंस से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट भी करती हुई नजर आई है। जैसा कि आप सभी को पता है मनीषा रानी हाल ही में चंडीगढ़ गई थी अलविश यादव के साथ अपने गाने की शूटिंग करने के लिए। मनीषा रानी ने वहीं से ये व्लॉग डाला था। मनीषा अपने व्लॉग में पहले तो पंजाबी सीखती हुई नजर आती है, उसके बाद फैंस को पूरी कहानी सुनाती है आखिरकार अभिषेक के साथ उनका गाना क्यों नहीं आ पाया है। मनीषा रानी ने बताया कि अभिषेक की टीम ने उन्हें गाना जरूर ऑफर किया था और मनीषा रानी के ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो थे, वो लाइंड अप थे, इसीलिए अभिषेक से मनीषा की मैनेजमेंट टीम ने थोड़ा टाइम मांगा था। जिसके बाद अभिषेक ने आके मनीषा को ये सारी बातें भी बताई और मनीषा ने क्लियर किया था कि मैनेजमेंट टीम बाद में आएगी, अभिषेक को वो खुद ही जवाब देंगी उन्हें गाना करना है या नहीं। इसके बाद मनीषा ने बताया कि अभिषेक की टीम से अभी तक उन्हें वापस से कोई चीज बोली ही नहीं गई है इस म्यूजिक वीडियो को लेकर, हो सकता है अभिषेक ने किसी और को चूज कर लिया हो अपने उस गाने के लिए। वहीं मनीषा कहती हुई नजर आई कि अगर अभिषेक किसी और को भी चूज कर लेते हैं तो उन्हें इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर मैं अलविश के साथ गाना कर रही हूँ और इस बात से अभिषेक के फैंस नाराज हो रहे हैं तो ये काफी ज्यादा गलत बात है क्योंकि हम प्रोफेशनल लोग हैं और हमें काम तो करना ही पड़ेगा नाम बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए। अगर अभिषेक भी मेरी जगह किसी और के साथ काम करता है तो मैं खुश होंगी क्योंकि वो अपने करियर में सक्सेसफुल हो रहा है, नाम कमा रहा है, पैसे बना रहा है। मनीषा रानी ने कहा जब जिया शंकर को और अभिषेक मल्हान को प्ले डीएमएफ वालों ने गाना ऑफर किया था तो ऐसे उन्हें भी नाराज होना चाहिए था, लेकिन उन्हें पता है कि ये सारी चीजें प्रोफेशनली है इसलिए उन्हें इस बात को लेकर कुछ भी बुरा नहीं लगा था। वहीं मनीषा ने कहा सेम चीज मेरे और अलविश के साथ है, हमें भी गाना ऑफर किया गया और हमें गाना अच्छा लगा तो हम इस प्रोजेक्ट में साथ में काम कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल लोग हैं और हमें ये सारी चीजें करनी ही होगी। मनीषा ने आके फैंस से ये भी अपील की है कि ऐसी छोटी छोटी बातें लेकर फैंडम्स को लड़ाई नहीं करना चाहिए और 1-to-1 भी मनीषा रानी को फैंस जानते हैं तो उन्हें इन फैंडम्स के नाम से ना ही जाने और ना ही फॉलो करें। मनीषा बिग बॉस में आने से पहले भी फेमस थी, मनीषा ये बात कहती हुई नजर आई और मनीषा ने कहा कि उनके घर वालों की बातों को इतना सीरियसली लेने की फैंस को जरूरत नहीं है क्योंकि मनीषा और उनके घर वाले अभी इस सारी चीजों के लिए बिल्कुल नए हैं और उनके घर वालों को नहीं पता है कि इन सारी चीजों और इन सारे सवालों से आखिरकार डील कैसे करना है। मनीषा रानी फैंस से ये अपील करती हुई नजर आए कि किसी को भी हेट देने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर कोई किसी के भी साथ काम करता है तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपने करियर में आगे बढ़ रहा है। वहीं मनीषा रानी अपने इस ब्लॉग में अलविश के गाने के लिए रेडी होती हुई भी नजर आई जिसकी इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सारी फोटोज और वीडियोस वायरल भी हो रही है। वेल, आपका मनीषा रानी की कही इन बातों पर क्या कुछ है कहना हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।